मोबाइल की स्क्रीन में देख के भी रेडी हो रहे हैं। Welcome back to our channel. Timbala. So today is 7th or 8th day here in Kolkata, but कुछ भी ज़्यादा vlog नहीं हो पाया because हम लोग कहीं जा नहीं रहे मैं इसी. But sir is here. So अभी भी sir haircut लेके आई है. I will show you guys. And here is our Soha done with her haircut. कितनी pretty लग रही है. एंड सो इज ऑल्सो डूइंग ठीक ठाक, उतना भी अभी तक उसका तबियत ठीक नहीं हुआ है. तो हम लोग बस घर में बैठ के खाना ऑर्डर कर रहे हैं और खा रहे हैं. एंड वॉट वी हैव नाउ सैंडविच एंड ऑल्सो या चाय इज ऑन द वे. बिकॉज हम लोगों ने टी जंक्शन से अभी चाय मंगवाया तो दैट विल कम. तभी हम लोग ये खा पी लेंगे. थोड़ा टाइम बाद वी विल ऑर्डर आवर लंच एंड आई विल शो यू कि हम लोग आज क्या ऑर्डर करें, क्या खा रहे हैं and everything. And yeah, that is a quick update. Keep on watching the vlog. Kya aage main dalungi is vlog mein, really don't know. So whatever I will be doing throughout the day, what we will be doing throughout the day, it will be there in the vlog. So yeah, if kuch bhi acha lag raha to don't forget to like, share and subscribe to my channel. So yeah, let's begin with today's vlog. Meanwhile, so after khichdi bhi ready ho gaya hai, now we will order our lunch. So here is Soha's khichdi. Thoda sa hair oiling kiya because abhi main head wash kar lungi. So मैं जस्ट नहा के आई हूँ एंड ऑल्सो द फूड हैज़ गॉट डिलीवर्ड. सो वी हैव ऑर्डर फ्रॉम बारबेक्यू नेशन फ्रॉम नॉन वेज सेक्शन. तो क्या क्या आया है आई विल शो यू गाइज. What is it? ऊपर में डेजर्ट्स है राइट? डेजर्ट्स एंड दोस डिप्स. बाद में दिखाऊंगी. ये कुछ ब्राउनी है. ये दिस इज मूंग दाल हलवा. हाँ दिस इज हलवा. ये है गुलाब जामुन. अंगूरी गुलाब जामुन. अंगूरी गुलाब जामुन. ये दो डिप्स है. चटनी. देन आई थिंक दिस इज द बिरयानी बॉक्स. रायता. मुझे ज़्यादा लच्छा पराठा. ये शायद विंग्स है. दिस आर चिकन टिक्का एंड दिस इज अ तंदूरी कबाब. स्ट्रोली काफी गुड. दिस इज मटन रोगन जोश. हां अच्छा. एक करी. दिस इज मटन रोगन जोश एंड दिस चिकन करी. एक तो बिरयानी. ये बिरयानी. According to us, the food quality, quantity, सब कुछ perfect था. We have ordered from Swiggy. और कौन सा box हमने order किया था वो भी I will mention here. I think it was around 1000 rupees. तो हम लोगों ने वही order किया था. इसमें बिरयानी था, लच्छा पराठा था, काफ़ी सारे कबाब्स थे इन स्टार्टर, तीन ग्रेवी आइटम्स था और दो से तीन desserts भी था. And this was more than enough for three people. Like four people तो आराम से खा सकते हैं. 2 hours later. Good evening, you all. It's already 6 p.m. now, and we are almost ready to go out.
बहुत दिन बाद बाहर जा रहे एंड या दैट वाज ऑल अबाउट नाउ। हम लोग लंच लेके थोड़ा बहुत बैठ गए थे रेस्ट करने और लंच का वो बाकी हम लोग और व्लॉग नहीं कर पाए बिकॉज वी वर सो बिजी एंड सो थ्रिल्ड बाय सीइंग द फूड इटसेल्फ। तो हम लोग खाने बैठ गए थे आराम से, हम लोग अपने मार्केट खा रहे थे एंड नाउ टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ रेस्ट, चाय पी के हम लोग थोड़ा सा रेडी होके जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। और कहाँ जा रहे हैं, क्या हम लोग करेंगे, यू गेट टू सी इन द व्लॉग। सो या फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, कीप ऑन वॉचिंग माई व्लॉग। दीदी को रेडी करी, मैं खुद भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ, उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। Her eyes are so pretty na, this is how we get ready। उसको तो मेरा नहीं। हम लोग मोबाइल के स्क्रीन में देख के अभी रेडी हो रहे हैं। भी अपना आई मेकअप थोड़ा सा कर लेती हूँ। आई एम यूजिंग दिस प्रिटी कलर फ्रॉम हियर एंड दिस पैलेट वाज गिफ्टेड बाय नेस्मेनिया। सो नेस्मेनिया इज यूजिंग अ पैलेट टुडे। सो फाइनली हम लोग निकल गए, सारे इकट्ठे निकले थे उस दिन, तो बहुत मज़ा आ रहा था एंड वी वर एक्साइटेड बिकॉज सुबह का तबीयत थोड़ा सा ठीक हो गया था, पर यू कैन सी वो कितना लो फील कर रही है, वो इतना ज़्यादा बात बात भी नहीं कर रही थी हम लोग के साथ। एंड दैट डे वी वेंट टू मनी स्क्वायर बिकॉज ये घर से बहुत करीब था। सो फर्स्ट स्टॉप वॉज शॉपर स्टॉप बिकॉज दीदी को कुछ मेकअप स्टफ्स लेना था अपने लिए एंड हियर शी इज़ गिविंग सम ट्रायल। फाइनली दीदी को अपना फाउंडेशन का शेड मिल गया एंड देन वी वेंट टू लिटिल शॉप बिकॉज सो के लिए कुछ कुछ चीज़ें लेना था, पर उसका मूड उतना अच्छा नहीं था, इरीटेटेड फील कर रही थी। हम लोग बस थोड़ा सामान लेके निकल गए थे वहाँ से भी। सो नाउ वी आर गोइंग टू वेस्टसाइड स्टोर, बट हम लोग ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं कर पाए। वी वेंट आउट बिकॉज सोआ को बहुत ज़्यादा इरीटेटेड फील हो रहा था वहाँ पे बिकॉज उसका इतना सारा मेडिसिन चल रहा था, तो हम लोग बाहर बैठ के भी कैब के लिए वेट कर रहे हैं एंड लेट्स सी व्हाट वी विल डू नेक्स्ट। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस व्लॉग। पता नहीं मैं क्या व्लॉग बना रही हूँ, क्या शूट कर रही हूँ। हम लोग बाहर गए थे पर सो इतना ज्यादा इरिटेट फील कर रही थी, तो हम लोग वापस आ गए। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस व्लॉग। पता नहीं आप लोगों को पसंद आ रहा होगा या नहीं, आई एम ट्राइंग टू डू माई लेवल बेस्ट पर हो नहीं पा रहा है, दैट इज अनदर थिंग। सो या हियर इज सोज न्यू डॉल, व्हाट इज योर नेम मामा। सो या गाइस बाय, कैच यू लेटर। अगरतला जाके शायद अच्छे से व्लॉग बनाऊंगी। और हम लोग का जो ट्रिप प्लान हुआ था वो तो ऑब्वियसली कैंसिल हो गया बिकॉज सुबह का तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। आज फिर भी थोड़ा सा ठीक था, हम लेके बाहर निकले थे बट शी वॉज रियली नॉट फीलिंग वेल सो वी केम बैक। सो या बाय फॉर नाउ, कैच यू गाइस लेटर, कीप वॉचिंग। सो गाइस बाय फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।